साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप अपना मंथली बजट कैसे जनरेट कर सकते हैं। मंथली बजट को आप यहां पे पूरा लिख के रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपको अपना बजट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पे आप सबसे पहले तो टाइटल बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं माई मंथली बजट। ये हमने बना दिया। इसके बाद अब अगला यहां पे हमें क्या क्या फील्ड्स बनानी होंगी वो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां पे आप अपना मंथ बनाए, कौन सा मंथ। फिर उसके बाद पेइंग कैटेगरी, आप कहां कहां पे पैसा पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहां पे एक फील्ड बना सकते हैं मेमो। मेमो में अगर कोई जैसे पिछले मंथ का बकाया है तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये जब हो गया तो अब आप यहां पे और क्या बनाएं, अब यहां पे बना सकते हैं एक्सपेंस, खर्चे कितने हुए, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कर दिया। एक्सपेंस के बाद जैसे एक्सपेंस, यहाँ पे स्पेलिंग का इशू है तो यहाँ पे हमने सही स्पेलिंग चुन ली और यस किया। तो अब फिर उसके बाद स्पेलिंग के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो आपको क्या करना होगा, F7 की को प्रेस करना होगा। तो लिख देते हैं रेवेन्यू, कितनी कमाई है, उसके बाद बैलेंस कितना बच रहा है, बैलेंस कितना बच रहा है। अब फिर हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले मंथ डालना है। जैसे मान लीजिए कि ये छठा महीना है तो एक आप यहां पे मान लीजिए आज की डेट पे आप पेमेंट कर रहे हो तो आज की डेट आप लिख लो यहां पे। जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया 30/6/2024, ये हमारा ये महीना है तो इसका हमने कर दिया। अब फिर उसके बाद सबसे पहले तो हम इसकी इसको आप मेंटेन भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। आप इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लीजिए और बड़ा करके बोल्ड कर दीजिए और मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए। इसी तरीके से आप ये फील्ड की भी साइज को आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए, बोल्ड कर दीजिए और फील्ड को भी सेंटर कर लीजिए। अब फिर आप सारे कॉलम को आप एक बार में मैनेज कर लीजिए। मैनेज करने का बहुत आसान तरीका, आपको ऐसे सेलेक्ट करना है कॉलम पे, दो बार क्लिक करना है, सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने कैटेगरी, अब आप यहाँ पे क्या करें, कैटेगरी बना लें, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप बिजली का बिल दे रहे हैं। फिर मान लीजिए पानी का पैसा दे रहे हैं, वाटर। फिर आप खाने का पैसा दे रहे हैं। फिर आप कोई भी रिएक्शन है, फिर रिपेयरिंग के लिए अगर कहीं पे रिपेयर जा रहा है किसी चीज का तो रिपेयरिंग के लिए। फिर गैस, गैस का अगर पेमेंट है तो आप लिख सकते हैं गैस। गैस ऑनलाइन आप करते हो, ऑफलाइन करते हो, जैसे भी आप करते हो। फिर यहाँ ड्यू पे अगर किसी महीने का ड्यू है तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, इतने महीने का ड्यू है। फिर एक्सपेंस, खर्चे कितने हैं। अब जैसे ये डेट है तो इसको आप यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लो, सेम डेट आ जाएगी। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो आप इसको कॉपी सेल कर लो तो ये सेम डेट आ जाएगी। फिर अगर किसी महीने का ड्यू है तो आप वो मेमो में लिख दो। फिर उसके बाद एक्सपेंस, खर्चे कितने आ रहे हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम मान लीजिए है 1500 रुपए, तो रेवेन्यू में 1500 रुपए डाल दीजिए, या चलिए 1500 क्या, इसको 15000 कर देते हैं, रेवेन्यू में 15000 रेवेन्यू कर दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल मान लीजिए 500 रुपए है तो 500, अब कितना बचा, तो इक्वल करिए 1500 माइनस 500, यहां कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इसी तरीके से सेम, अब यहां पे हमें फिल नहीं करना, हमें क्या करना है
इक्वल करना है, इक्वल करके फिर हमें यहां पे सेल एड्रेस लिखना है और ये सेल एड्रेस ऐसे कॉपी कर लीजिए और इंटर कर दीजिए, सेम यहां पे पेस्ट हो जाएगा। और फिर इस पे ये फार्मूला लगा देना हमको यहां तक। अब यहां पे वाटर का कितना आपका जो कास्ट आता है, मान लीजिए कि 100 रुपीज वाटर का आता है तो ये आ गया। लेकिन अब नीचे वाले में बार बार हमें लिखना पड़ रहा है, तो हम नीचे वाले में क्या करें, ऐसे कॉपी कर दें। तो कॉपी करते हैं तो सेम आ जाता है। तो हमें क्या करना है, यहां पे एक सेल से दूसरे सेल को यहां पे एडजस्ट कर लेना है। तो अब देखिए, अब फिर यहां पे जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। फिर मान लीजिए अगला क्या है, फूड का। फूड का मान लीजिए 2000 रुपए फूड का आ रहा है, तो ऑटोमेटिक देखिए यहां से घट जाएगा। फिर उसके बाद आपका 250 रुपए रिस्ट्रिक्शन का लग रहा है, जो आपका आने जाने का मान लीजिए कहीं से एक्स्ट्रा किराया हो रहा है। रिपेयरिंग का इस महीने मान लीजिए कि 300 रुपए किसी चीज के रिपेयरिंग में लगा, तो आप वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक फील्ड आप बना सकते हो एक्स्ट्रा क्या रिपेयर कराया, या यहाँ पे आप बना सकते हो कि एक्स्ट्रा ऐसा कुछ आप बना सकते हो। यहाँ पे हम एक बना देते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या रिपेयर कराया, तो यहाँ पे कर सकते हैं कार सर्विस कराया। अब यहाँ पे कार सर्विस का मान लीजिए 3000 रुपए लगा, तो वो 3000 यहाँ पे माइनस। गैस का मान लीजिए कि 800 रुपए गैस का लग रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 800 फिल कर देना। तो जैसे ही हम फिल करेंगे तो अभी हमारे पास कितना पैसा बचा, 8000। अगर इस मान लीजिए कि गैस 700 की है तो 8450 रुपए सेविंग में बच गया। तो यहाँ पे हम एक और फील्ड यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, सेविंग, इस पे लिख देते हैं सेविंग। तो सेविंग कितनी हुई, यहां से लेके यहां तक, या एक्सपेंस छोड़ दीजिए, यहां पे हम बनाते हैं, या आप यहां पे इसको सेविंग को हटा के इसको आप टोटल कर लीजिए। टोटल में क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या टोटल हुआ। तो अब यहाँ पे हम इस एरिया को सेलेक्ट करके अलग कलर दे देंगे, अभी फॉर्मेट करके हम दिखा रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहे, जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो अब यहां से लेके हमने यहां तक क्या किया, इसको मर्जन सेंटर कर दिया और इसको लेफ्ट लेफ्ट में कर दिया, या राइट में कर लिया। राइट में करने पे यहां पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहां पे टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, इक्वल करना है, यहां से लेके यहां तक आपको सेलेक्ट करना है और इंटर कर देना है। तो अभी वैल्यू नहीं आया, क्यों नहीं आया, बिकॉज इसमें एक फार्मूला आपको लगाना होगा, कभी आप ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे लिखना है सम, फिर ब्रैकेट ओपन और फिर ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आप इंटर करेंगे यहां पे ऑटोमेटिक जुड़ के आ जाएगा। तो टोटल खर्चे कितने हुए, इतना। अब रेवेन्यू तो आपको जो है जुड़ना नहीं है, बिकॉज रेवेन्यू आपका 15000 है, ये आपको पता है। अगर आप चाहते हैं रेवेन्यू लिख के आ जाए तो आप इक्वल करें, पहले सेल को यहां सेलेक्ट करके इंटर कर दे, तो आपका रेवेन्यू पता चल जाएगा। फिर बैलेंस कितना बचा तो आप इक्वल कर दें। इक्वल करने के बाद आप चाहे यहां से इसको आप सेलेक्ट कर लें, या आप टोटल में से जो आपका टोटल पेमेंट आपका रेवेन्यू है उसको आप सेलेक्ट कर लें और एक्सपेंस टोटल जोड़ लें, तो आप इंटर कर दें। तो आप देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 8450 रुपए आपका टोटल बच गया है। अब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट यहां तक पहले सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करके इस पे आप आल बॉर्डर दे दीजिए, जिससे ये पूरा का पूरा बॉर्डर में हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको भी आप आल बॉर्डर दे देते हैं, और यहां से लेके यहां तक हमें किसी हल्के कलर से इसको कलर कर देते हैं, जिससे ये थोड़ा अच्छा लगे। फिर इधर मंथली बजट को भी हम यहाँ पे ऐसे ही किसी कलर से मैनेज कर लेते हैं, और फिर इस एरिया को भी हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं किसी कलर से। और अब यहाँ पे अपना जो पेइंग एरिया है, ये एरिया, इसके भी कलर को आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो रेवेन्यू एरिया है या एक्सपेंस एरिया है, आप इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सेम कलर। तो अब आपके सामने आपका मंथली बजट बनके तैयार हो गया है।
अगर आपने मंथली बजट का प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहां से आप फाइल में चल के प्रिंट ले लीजिए, तो यहां से आपका मंथली बजट का पूरा प्रिंट भी आ जाएगा। साथ साथ अगर आप इसमें और भी चीजें ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास कई सारे और कॉलम आ सकते हैं, आप इंसर्ट कर लीजिए, यहाँ पे नए कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, तो पूरा मंथली बजट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।